हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही हैं कि अफर्मेशन के बारे में बताएं। अफर्मेशन क्या होता है, इसे किस तरह से करना चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक को ले रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए और रिंग बेल भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और यहाँ भी नीचे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस क्या होती हैं? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिसे हम अपने लिए बोलते हैं किसी भी गोल या रिजल्ट को अचीव करने के लिए। इन्हें हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं। ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है हमारी लाइफ के, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिश्तों से, चाहे फाइनेंसिस, करियर, सक्सेस, हमारी अपनी सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इशू के बारे में हम अपनी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को यानी कि सेल्फ अफर्मेशंस को बोल सकते हैं। अगर ये सेल्फ अफर्मेशंस ठीक तरीके से की जाए तो ये बेहद बेनिफिशियल होती हैं और रिजल्ट भी देती हैं। इन्हें करना कैसे है? इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? इसे हमें अपने मन में बोलना है और बार बार बोलना है। रिपीटेशन इज द की। बार बार बोलने से होता क्या है? कोई भी चीज अगर हम बार बार बोलते हैं तो वो हमारे लिए एक बिलीफ बन जाती है, क्योंकि जो भी बिलीफ हमारे माइंड में बैठी हुई है, जो भी बिलीफ हमने आज तक ली है, जो भी स्टोर्ड है हमारे माइंड के अंदर, वो सारी के सारी बिलीव्स इसी तरह से बनी है कि बार बार कोई चीज़ हमारी लाइफ में हुई है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसे सच मान लिया है। ऐसी हमारी बहुत सारी नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीव्स पड़ी है, रिश्तों के बारे में, हेल्थ के बारे में, धन के बारे में, हमारे अपने बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर उन्हीं बिलीव्स के साथ हम आगे चलेंगे तो हम सक्सेस नहीं पा सकते। अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में तो हमें उन बिलीव्स को चेंज करके एम्पावरिंग बिलीव से रिप्लेस करना होगा, और अफर्मेशंस यही काम करती हैं। हम ऐसी एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं ताकि बार बार बोलने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान ले कि यही अब उसके लिए सच है और वो पुरानी बिलीव्स को छोड़ देता है और नई बिलीव्स को अपना लेता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अफर्मेशंस करता हूं पर मेरे लिए तो ये काम नहीं करती। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से इन अफर्मेशंस को करते हैं। जब भी हम कॉन्शियस माइंड से इन अफर्मेशंस को करेंगे, हम लॉजिक्स लगाएंगे, हम कहेंगे कि ये होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड कहेगा ये कैसे हो जाएगा। तो जब तक हम इस कॉन्शियस को बाईपास नहीं करेंगे और सीधा सबकॉन्शियस में नहीं जाएंगे तब तक काम नहीं होगा। तो अगर हमें अफर्मेशंस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके कुछ नियम हैं। हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि अफर्मेशंस की जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट से मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कि हमें वेट रिड्यूस करना है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव? लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से ये क्या स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं कहता हूं ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। कारण, मैं वेट रिड्यूस करना चाहता हूं। सबकॉन्शियस माइंड में इमेज किसकी बन रही है? मैं यानी कि मेरी, और वेट यानी कि वेट की। बाकी चीजें तो वेग वर्ड है, कोई भी टेंजिबल नहीं है। किसी की इमेज नहीं बनेगी, नहीं की कोई इमेज नहीं बनती है। मेरी और वेट की इमेज बनेगी तो वेट कहाँ से कम हो जाएगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट को किस तरह से लिखा जाए या बोला जाए? यहाँ पर हमें बोलना चाहिए मैं पतला होना चाहता हूँ, और स्पेसिफिक कर दें, उसके साथ अटैच कर दें कि पतले होने का मतलब क्या है तो और भी अच्छा है। तो जितनी भी आपने अफर्मेशंस बोलनी है वो सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज माइंड में इमेज कुछ और बनेगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरे इस हाथ को देखते हुए आप नीले कलर के हाथी को नहीं देखेंगे, आई एम श्योर आप इस समय नीले कलर के हाथी को देख रहे हैं अपने माइंड के अंदर। और मैं कहूं
कि उस नीले कलर के हाथी के ऊपर जो बंदर बैठा है उसको तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब बताइए आपके माइंड में क्या इमेज बन रही है। इसीलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इस बीमारी से निकलना है या ठीक होना है, हम कहेंगे हमें हेल्दी होना है, तभी ये अफर्मेशंस काम करेगी। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि इन अफर्मेशंस को हमें प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है और हमें इस तरह से इमेजिन करना है कि ये चीज़ हो चुकी है, दैट इट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे अमीर बनना है, तो आप बोलेंगे कि मैं अमीर हूँ। अब यहाँ पर भी कॉन्शियस माइंड आ सकता है कि तू तो झूठ बोल रहा है, तू अमीर है कहाँ। अगर हम कहें, मान लो हम बीमार हैं और हम कहें मैं स्वस्थ हूँ, कॉन्शियस माइंड फिर कहेगा बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, तो कहाँ स्वस्थ है, तो बीमार पड़ा हुआ है। तो इसको हम प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना देंगे, यानी कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अब क्योंकि ये प्रोसेस है तो कॉन्शियस माइंड इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, या मैं पतला हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, तो इस पर कॉन्शियस ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, उसको आपको तरीके से, ठीक तरीके से विजुअलाइज भी करना होगा। जितनी अच्छी विजुअलाइजेशन होगी, जितनी स्ट्रांग विजुअलाइजेशन होगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको अफर्मेशंस का। तो जब भी आप अफर्मेशंस को बोलते हैं, अपने माइंड में उसको इमेजिन भी करें कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और जब आप अपने आप को देख रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करते हुए अपने माइंड के अंदर, तो जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन्हें भी देखना शुरू करें। इससे आपके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग जनरेट होगी, और जैसे ही ये स्ट्रांग फीलिंग जनरेट होगी, सबकॉन्शियस माइंड इस आउटकम को, इस रिजल्ट को अपना लेगा। चौथा पॉइंट है, इन अफर्मेशंस को करने का सही समय क्या है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है? वैसे तो ये 24/7 एक्टिव रहता है, पर जब तक कॉन्शियस एक्टिव होता है ये चीज़ों को सबकॉन्शियस में नहीं जाने देता। तो जब हम रात को जस्ट सोने लगते हैं या सुबह जब सोकर उठते हैं, तब हमारा कॉन्शियस डाउन होता है। उस समय पर अगर हम इन अफर्मेशंस को करें तो ये बेहद इफेक्टिव होगी, यानी कि सोने से जस्ट पहले और उठने के तुरंत बाद। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन में होते हैं, तब भी हम चीज़ों को डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। तो दिन में भी हालांकि आप करते रहेंगे, लेकिन इस समय पर, सोने के समय और सुबह उठने के बाद, आप इन्हें जरूर करेंगे। अगर आप इन चार चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन चार पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, तो आपकी अफर्मेशंस बिल्कुल इफेक्टिव होगी और आपको रिजल्ट भी मिलेगी, जैसे कि मुझे मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।